हेलो एंड वेलकम टू कश्मीर डिस्पैच। नमस्कार, आज की ये जो हमारी प्रेस ब्रीफिंग है, इसमें हम तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पे आप लोगों से बात करना चाहेंगे। पिछले चार हफ्तों का डेटा हमने एनालाइज किया है और उसके आधार पे जो हमारी पॉजिटिविटी की फिगर्स आई हैं, वो मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। चार हफ्ते पहले हमारे रैट टेस्ट की जो पॉजिटिविटी थी वो लगभग 7% थी, वो अब घट करके 3.59% हो गई है। आरटीपीसीआर की पॉजिटिविटी 20% थी, वो चार हफ्तों के बाद घट करके 12% हो गई है, जिसके चलते हमारी ओवरऑल पॉजिटिविटी 11.5% से घट करके 6.3% पे आ गई है। इसके साथ में ये भी बताऊंगी कि जो हमारा रिकवरी रेट है वो बढ़ करके 89% हो गया है। इसी के साथ साथ जो हमारे रेड जोन्स थे, जो कि अब 59 इन नंबर हैं, और लगभग हमारी 44% पॉपुलेशन जो कि कोविड पॉजिटिव है वो इन रेड जोन्स के अंदर ही है। इन सभी डेटा से हमको ये पता चलता है कि पिछले चार हफ्तों में द गुड वर्क दैट हैज बीन डन बाय द हेल्थ टीम इन द डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज जनरल आवाम का, हम लोगों को जो साथ मिला है, उसी के चलते हमारा पॉजिटिविटी रेट इतना कम हो पाया है और जो हमारा रिकवरी रेट है वो इतना बढ़ पाया है। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि जैसा आचार व्यवहार आप लोगों ने पिछले चार हफ्तों में रखा है, कृपया प्रशासन का वैसा ही सहयोग आप लोग आगे चल के भी करते रहिए। जैसा पिछला हफ्ता हमने आप लोग से शेयर किया था कि हमारी 126 पंचायतों में अब कोविड केयर सेंटर स्थापित हो गए हैं। इनमें से कुछ सेंटर्स सब सेंटर्स में हैं, कुछ पीएचसी में हैं, कुछ पंचायत घरों में हैं, कुछ स्कूल्स में हैं, किसी न किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में ये सेंटर्स हैं। लास्ट वीक हमने इनमें रैट टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करा दी थी। लास्ट वीक लगभग 446 टेस्ट इन कोविड केयर सेंटर्स पे कंडक्ट किए गए हैं, जिसमें 5 लोग पॉजिटिव निकल कर आए थे। मैं इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम मानती हूँ हमारी थर्ड वेव को कॉम्बैट करने के लिए, और इसमें हमारे सरपंचों, पंचों, बीडीसीज एंड डीडीसीज का बहुत ही ज्यादा सहयोग रहा है इन सेंटर्स को सेटअप करने में, यहाँ पर जो हेल्थ टीम थी उनकी ट्रेनिंग कराने में, एज वेल एज टेस्टिंग फैसिलिटीज उपलब्ध कराने में भी लोगों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। यहाँ जो भी लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, हम उन्हें बार बार इन कोविड केयर सेंटर्स में ही आइसोलेट करने के लिए कह रहे हैं। जैसा आप लोग को पता है, पिछले हफ्ता रामवारी गुंड में 2 लोगों ने अपने आप को आके आइसोलेट किया था। जब उनका टेस्ट किया गया था वो नेगेटिव निकले थे और 2 दिन बाद फिर वो अपने घर वापस जा सके थे। मैं बाकी लोगों से भी यही कहूंगी कि यदि आपके घर में स्पेस नहीं है तो प्लीज अपनी फैमिली की हेल्थ को रिस्क पे मत डालिए। इन कोविड केयर सेंटर्स में से कहीं पर भी आकर के अपने आप को प्लीज आइसोलेट करिए और मेडिकल टीम की निगरानी में ही रहिए। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, लास्ट वीक वी हैव स्टार्टेड द वैक्सीनेशन फॉर 18-45 ईयर्स एज ग्रुप। अब तक हमारे लगभग 3,180 वैक्सीनेशन के शॉट्स लगाए जा चुके हैं। ये वैक्सीनेशन हम प्रायोरिटी ग्रुप्स के लिए ही कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः हमारे जो शॉपकीपर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, स्पेशली अमरनाथ यात्रा के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कृपया आप लोग अपनी निकटतम वैक्सीनेशन साइट पर जाकर के अपना पहला टीका अवश्य लगवा लीजिए। अंत में मैं आप लोगों की बहुत ज्यादा प्रशंसा करती हूँ कि आप लोगों ने हमारा तहे दिल से साथ दिया है और मैं आगे भी इसी प्रकार के टीम वर्क की आप सभी से उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।